हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी मैं मेरा सुबह का लंच ले रही हूँ, तो लंच में आज है पोहा। आज मैं डायरेक्ट स्टार्टिंग मेरे लंच से कर रही हूँ, क्योंकि मैं फटाफट से यहाँ पर फ्री होकर मुझे जाना है सैलून पर। आज मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको खाना खा के फिर बताती हूँ। अभी ये शॉप के लिए निकल चुके हैं और वो वहाँ पर वेट कर रहे हैं, पर मैं स्लीपर दूसरे पहन के आ गई, चेंज करते हैं। ये आ गई हूँ मैं सैलून पे, और सैलून पे अभी तो कोई भी कस्टमर नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वैक्सिंग करवा लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पर ग्रो हो गया है इसलिए, हाथ पर और लेग्स पर। तो आपको मैं हैंड्स की वैक्सिंग तो दिखाऊंगी, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं यानी थोड़ी देर के बाद बताऊँगी आज क्या हुआ। तो आज हुआ है यानी सुबह के बजे 6:30, और मेरा जो रूम है उसके यानी जस्ट पास में मेरा वॉशरूम है, जहाँ पर मैं यानी नहाती वगैरह हूँ वो। तो मम्मी के रूम का जो अटैच लेट बाथ है उसके अंदर हुआ है थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम, जो नल वगैरह जो भी है वो सब चेंज कर दिए। तो कल ही टाइल्स वगैरह लगाने वाला आया था, तो मैं आपको बताऊँगी जैसे वो तोड़ फोड़ की थी ना वो कम्प्लीट कर दिया इसलिए, तो वो तोड़ फोड़ पूरी कंप्लीट हुई तो टाइल्स वगैरह लग गई है, तो वहाँ पे नल नहीं लगा हुआ था। तो मम्मी ने सोचा कि गर्म पानी मेरे वॉशरूम से ले फिर ना लूँगी। मेरे वॉशरूम में यानी जो गीज़र अभी लगवाया था कुछ टाइम पहले, गीज़र ख़राब हो गया था तो लगवाया था, तो उस गीज़र में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से अब वो वाल बंद था कि क्या था, वो दो तीन बार वाल जो टूट गया था वो सही भी करवा दिया था, नॉर्मल हो भी गया था। फिर इसके बाद मैंने गीज़र ऑन ही नहीं किया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आ रही थी और गर्म पानी की मुझे ज़रूरत भी नहीं थी इसलिए। तो जैसे ही मम्मी ने आज सुबह वो गीज़र ऑन किया, क्योंकि मम्मी जल्दी ना लेते हैं पूजा करने के लिए, जैसे ही वो गीज़र ऑन किया यानी ब्लास्ट हुआ उसके अंदर, पाइप था वो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ और वो ब्लास्ट हो गया। और मम्मी यानी थोड़े टाइम के लिए बाहर ही आए थे और उसी टाइम पर वो ऐसे अच्छा हुआ, नहीं तो अंदर होते तो वो पूरा गर्म पानी क्या उछल के बाहर आया है यानी। और मैं तो हम लोग तो सोए हुए थे, तो मैंने सोचा कि बारिश गिरी है इस वजह से कंप्रेसर में आवाज़ आ रही है इतनी ज़ोर से। तो फिर थोड़ी देर के बाद पापा ने गेट खटखटाया, उससे पता चला कि इतना बड़ा हादसा हो गया, यानी कुछ भी हो सकता था, तो भगवान की दया से कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छी चीज़ हुई, नहीं तो कहाँ से कहाँ हो जाता आज। मम्मी नहीं जाते तो मैं तो जाती ही वॉशरूम में बाद में लेके, और मुझे जल्दी ना आना था तो मैं गीज़र ऑन करती। अगर मैं वॉशरूम में होती और उस टाइम पर ब्लास्ट होता तो यानी बहुत कुछ हो सकता था, मम्मी को भी कुछ नहीं हुआ मुझे भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए अच्छा हुआ, बहुत बेकार हुआ आज तो। और अभी चलो वैक्स गर्म हो गया तो वैक्सिंग कर देते हैं। ये यहाँ पर मेरे हाथ पर प्री वैक्स जेल लग रहा है, ये बायोसॉफ्ट का लेमन फ्लेवर लगाया है, और वैक्स भी हम बायोसॉफ्ट की ही यूज़ कर रहे हैं गोल्ड। ठंडी करके लगाना ना। एकदम पेनलेस वैक्स है यानी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वैक्स है। मेरे हैंड्स हैं वो क्लीन हो गए हैं लगभग, तो पतले ही हाथ है, ज़्यादा मोटे हाथ नहीं है इसलिए लगभग हो भी गए। फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ मैं घर पर, और एक पार्सल था तो साथ में लेके भी आ गई, तो इसको डिस्पैच कर देंगे। और कल ये काम हुआ था बाहर, थोड़ा मेंटेनेंस का होता तो यहाँ पर वो जंप बनवाया वो है, और ये यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था तो ये फिर खुलवा के वापस से करवाया, तो पूरा वाइट वाइट हो गया है क्योंकि सारा सीमेंट सीमेंट, और यहाँ पर भी पैक कराया। और अभी चिकू गए हैं चाबी लेने के लिए, क्योंकि मम्मी पापा थोड़े गई हो कहीं पर गए इसलिए, और ये चाबी लेके आ गए।
आना पड़ेगा आपको क्या? मेरे हाथ में बैग भी है, कैमरा भी है। खोल दो। हाँ खोल दो। चलो आपका इतना एहसान हो जाएगा। और ये है बनी, ये वाला टेबल ये मेरे नाना ने बनाया था तो मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। इसको ले जाना है शॉप पर टाइम ही नहीं मिल रहा है। और ये घर, बहुत बहुत धन्यवाद। चाबी दे दो। ये अभी अकेली हूँ इसलिए ये लॉक। और ये मिट्टू, मिट्टू मिट्टू यहाँ पे है तो फैन भी ऑन रखा है। सबसे पहले करूँगी मास्क रिमूव एंड फिर मेरे हैंड्स को करूँगी वॉश। वॉशरूम कैसे जाऊं? देखो तो सही कितना काम बढ़ गया है। यहाँ पर पूरा पाइप था वो लीक हो गया था और मेरे वॉशरूम में तो क्या ही हालत हो गई है। यानी क्या बताऊँ आपको, देख लो ये बाप रे, बहुत ख़राब हो गई है हालत। अब मैं ये कल क्लीन करूँगी जब नहाऊँगी तब, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। अभी तो मुझे बनाना है फ़िलहाल खाना, तो खाने में मैं बना रही हूँ पनीर और पनीर का सैलेड, यानी चीकू का आज पनीर का सैलेड है तो वो मैं बना रही हूँ। तो एक बार तो वॉशरूम जाना पड़ेगा मुझे। ये बन गया है पनीर और अब इस पनीर को मैं अच्छे से यानी रोस्ट कर दूँगी, अच्छे से रोस्ट कर दूँगी फिर मैं बता। ये चीकू आ गए और गाड़ी का हॉर्न बजाते बजाते आ रहे हैं। चिकू के लिए तो बना दिया था पनीर का सलाद और मम्मी पापा और मेरे लिए बनाया था आलू की सब्जी और रोटी। तो अभी बन रहा है, सॉरी मम्मी का व्रत है तो मम्मी के आलू अभी बॉईल करने के लिए रखे हैं तो आलू बॉईल कर हो जाएंगे। इसके बाद मैं स्टैंड वगैरह सब क्लीन करूं पर थोड़ा बहुत जो भी है वो अवेयर देती हूँ स्टैंड पर। और आजकल खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ क्योंकि अभी शॉप लेट तक खुली रहती है ना, इसलिए। और कोई नहीं, चुकू को टाइम पे खिला देती हूँ, वो इनफ हो जाता है उस टाइम पे। इतने से बर्तन पड़े हैं, बर्तन जमा देती हूँ और बर्तन धोने के लिए तो भाई जी आ ही हैं। अब 2 मिनट बैठ जाती हूँ और आपसे बात कर लेती हूँ। अभी मैंने स्टेन वगैरह सब क्लीन कर दिया है तो मम्मी के लिए अभी बनाना है मुझे फलाहार, तो मैंने स्टेन इसलिए पहले क्लीन कर दिया क्योंकि मम्मी का व्रत है तो कहीं आटे वगैरह का कुछ भी टच ना हो जाए, यानी स्पून उधर उधर रखने में, क्योंकि व्रत है इसलिए। और अभी मैं कढ़ाई वगैरह दूँगी क्योंकि उसी कढ़ाई में बनेगा मम्मी के लिए फलाहार इसलिए। और मैं यूँ बोलना चाहती हूँ कि शायद मैंने किसी व्लॉग में बताया नहीं है पर एक लड़की है तमन्ना पंचाल करके, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, मेरी छोटी सी सब्सक्राइबर है, वो ओनली फॉर 12 ईयर्स ओल्ड है। और वो यानी मुझे आपने देखा होगा तो YouTube पे मुझे कमेंट भी करती रहती है, आपने मेरा व्लॉग में नाम नहीं लिया वगैरह, छोटी है इसलिए बोलती रहती है कि आपने नाम नहीं लिया नाम नहीं लिया। पर आज मैं उसका नाम ले रही हूँ, तमन्ना पंचाल, यू आर सो क्यूट। उसने मुझे एक दिन वीडियो कॉल किया था, मैंने देखा, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और मेरी इतनी प्यारी सब्सक्राइबर है, मुझे सोच के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। कोई यानी मुझसे बात करने के लिए यानी इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, ये सोच कर ही मुझे यानी बहुत ज़्यादा खुशी हुई सच में। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पर लोगों के दिल में तो जगह बना ही ली है थोड़ी ना थोड़ी कहीं। तो व्लॉग जब से मैं बनाना स्टार्ट किया है तब से मुझे लगता है मैं आप लोगों से ज़्यादा जुड़ रही हूँ। अभी बस ये प्रेशर निकलेगा कुकर का, तब तक मैं यहाँ पर कढ़ाई वगैरह धो देती हूँ और फिर मम्मी के लिए फलाहार बनाना है। और हाँ आपको मैं दिखा देती हूँ, यानी जो मेरे वॉशरूम में जो तोड़फोड़ हुई है वो तो मैंने दिखा दी है पर मम्मी पापा के रूम में जो रिपेयर हुआ है वो नहीं दिखाया है, यानी वॉशरूम में वो दिखा देती हूँ।
यहाँ पर कैसा हो गया था और ये पूरा सही करवाया, ओरिजिनल वगैरह सब चेंज करवा दिया। और ये यहाँ पर न भैया दोनों फोन चला रहे हैं। हाय बोल दो। हाय हाय। क्या खेल रहे हैं? सुबह सुबह आते हैं तब उम्र होता है। ओके। सुबह सुबह आते हैं ना? हाँ। लोग क्यों नहीं मनाते हैं तब? हाँ? हाँ तो हम सुबह सुबह हम ना सुबह सुबह आप तब लोग बनाती हैं तब हम आप बनाते कि नहीं हो आप? कहाँ क्या कह रही है मैं समझी नहीं। अरे यार। क्या कह रही है? सुबह सुबह व्लॉग देखती हो आप मेरा? हाँ। कैसा लगता है? पापा दिखाते हैं। अच्छा ये ले लो। आलू थोड़े से ओवर कुक हो गए। यहाँ पर कढ़ाई गरम हो गई है, आलू कट हो गए हैं और यहाँ पर हरी मिर्ची, जीरा और कड़ी पत्ता तीनों मिक्स करके यहाँ पे के यानी छौंक लगाऊंगी इसका। इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकने दूंगी, फिर इसके अंदर मसाले डालने देती हूँ। चलो साथ में ऐसे मसाले भी पक जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि सब इतने बड़े बड़े डब्बे क्यों खोले? बड़े बड़े डब्बे इसलिए खोले क्योंकि मम्मी के था व्रत, तो व्रत में हम लोग यानी जो हमारा मसाले का जो डिब्बा होता है वो यूज़ नहीं करते। जो अकेला जो मसाले का बड़े बड़े डिब्बे होते हैं ना, उनमें से निकाल के फिर मसाले यूज़ करते हैं, ताकि व्रत में थोड़ा व्रत में हम हाइजीन ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं ना, इसलिए बड़े बड़े डिब्बों में से मसाले निकाले थे। रूम में आई थी फिर चिकू बोले कि मुझे हेयर ऑयलिंग कर दो, तो हेयर ऑयलिंग मैं अभी इनको करके दे रही हूँ। ऐसे तो मैं ही करती हूँ, मज़े हैं जनाब के तो, यानी ये मस्त एडिटिंग करते हैं बैठे बैठे, फिर अच्छी मस्त मसाज भी मिल जाती है। बस ये व्लॉग ख़त्म करने का टाइम आ गया है। मैंने मेरा फेस वॉश है वो कर लिया है और अभी मैं मेरी नाइट क्रीम लगा दूँगी और लिप केयर लगा दूँगी। बस ये स्किन को रात को जो भी मैं लगाती हूँ वो सब लगा के फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि 11:30 हो गई और अब सो ही जाती हूँ। सुबह वापस उठना है और प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो ज़बरदस्ती डार्क सर्कल्स आ जाएंगे इसलिए। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। बाय।